जी बच्चे, तो आज का हमारा लेक्चर है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। और आज का लेक्चर बड़ा मजे का लेक्चर है, इंटरेस्टिंग लेक्चर है। बार दफा कुछ ऐसी बातें हैं वो बच्चों को समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन आज इंशाल्लाह सारी बातें आपको समझ में आएंगी। अच्छा बेटा, देखें जरा कैपेसिटर की वर्किंग। हम पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं, अभी आपके सामने आपको राइट साइड पर एक कैपेसिटर नजर आ रहा है। तो बच्चों से बातों को आपने समझना है। लेट्स से कि मैं इस कैपेसिटर के साथ एक बैटरी कनेक्ट करता हूँ, ऐसे। ये बैटरी का हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, और ये हमने आगे से बैटरी यहां से जोड़। अब ये कैपेसिटर बैटरी के साथ जुड़ गया। शुरू में जब ये कैपेसिटर बैटरी के साथ नहीं जुड़ा था, तो इसकी ये वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। मतलब पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। शुरू में जब बैटरी किसी भी जब कैपेसिटर किसी भी बैटरी के साथ नहीं जुड़ा, इस केस में ये प्लेट कहलाएगी न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव हैं, उनका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। और जब इफेक्ट कैंसिल हो जाता है तो फिर मैं बोलता हूँ कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। अभी ये दोनों स्टार्ट में प्लेट्स हैं न्यूट्रल, लेकिन जब मैं बैटरी कनेक्ट करूंगा तो तवज्जो से समझिएगा। अब बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, वो सारे पॉजिटिव प्लेट की तरफ चले जाएंगे। तो यहां से आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल कर आ जाएंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ यहाँ पर, और फिर ये वाली पॉजिटिव प्लेट इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को कंडेंस करवा देगी नेगेटिव प्लेट के ऊपर, यानी ये लेफ्ट वाली प्लेट के ऊपर। अब अगर आप गौर करें तो पहले तो हमारे पास दोनों प्लेट्स पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मौजूद थे, लेकिन अब क्या होगा जी, क्योंकि मैंने अपनी लेफ्ट वाली प्लेट में से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज निकाल दिए हैं, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन से चार्ज बच जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज बच जाएंगे। तो ये वाली प्लेट हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। इसके बरक्स दूसरी प्लेट पर, क्योंकि मैंने नेगेटिव चार्ज पेस्ट की है लेफ्ट वाली प्लेट से उठाकर, तो इसके ऊपर कौन से आपके पास चार्जेस आ जाएंगे, नेगेटिव। अब आपको पता है एक पर पॉजिटिव आ गया, एक पर नेगेटिव आ गया, तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी आपके पास। बेटा ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस का नाम होता है चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, जिसमें आप किसी कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, उसकी दोनों प्लेट्स पर जो चार्ज है वो सेपरेट हो जाता है, और जब चार्ज सेपरेट हो जाता है तो मैं बोलता हूँ कि जो कैपेसिटर आपका वो क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है। तो चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का क्या मतलब हुआ बच्चे? चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी के साथ कनेक्ट करने पर वो कैपेसिटर जो है वो उसके अंदर जो चार्जेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस केस को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग। जी बच्चे, चार्जिंग की बात समझ में आई है? चार्जिंग का मतलब यह है कि आपने एक प्लेट से नेगेटिव चार्ज उठाए, वो नेगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट को दे दिए, और पहले वाली प्लेट पर कौन से चार्ज रह गए, पॉजिटिव। अब जरा देखें जी, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर क्या कहता है जी? कहता है व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर, इट स्टार्ट स्टोरिंग चार्ज ऑन द प्लेट्स। ये प्लेट्स पर चार्ज स्टोर करने लग जाता है, और चार्ज स्टोर करने के प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैपेसिटर में चार्ज कब तक स्टोर होगा? तो आपने याद रखना है, एक होता है बैटरी का वोल्टेज, ठीक है जी, एक होता है द वोल्टेज ऑफ बैटरी, जो बैटरी के वोल्टेज है, और एक है जो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो नेट होते हैं, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान जो नेट होते हैं। जब ये कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जनरेट होने वाले वोल्टेज और बैटरी के वोल्टेज बराबर हो जाए, यानी अगर ऐसा केस हो कि बैटरी के वोल्टेज, वोल्टेज ऑफ बैटरी वो एक्चुअली बराबर हो जाए टू द वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, तो यहां पर फिर चार्ज स्टोर होना बंद हो जाता है, यहां पर कैपेसिटर में मजीद चार्ज स्टोर नहीं होता। तो आपने यहां पर याद रखना है कि इसके बाद अगर ये केस हो जाए तो देन चार्जिंग स्टॉप्स, फिर कैपेसिटर चार्ज नहीं होता। कैपेसिटर की चार्जिंग क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो कैपेसिटर स्टोर चार्ज टिल, कैपेसिटर तब तक स्टोर चार्ज को स्टोर करता है जब कैपेसिटर के वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज के बराबर हो जाए। अब सोर्स कौन है बेटा आपका? सोर्स का मतलब है जो वोल्टेज दे रहा है, तो कौन वोल्टेज दे रहा है कैपेसिटर को, कौन है सोर्स बच्चे आपका? आप लोगों ने बताना है मुझे।
यस बिल्कुल। तो आपका जो सोर्स है वो है आपकी बैटरी। तो जैसे ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होता है, उसके ऊपर मजीद चार्ज स्टोर नहीं होता। अच्छा आप जरा बात को तवज्जो से समझे। आप लोगों ने एक लफ्ज पढ़ा था, करंट पढ़ा था ना, और करंट किसे कहते हैं बेटा? तो करंट कहते हैं बच्चे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या फ्लो ऑफ चार्जेस को। अभी अगर आप गौर करें तो जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तो इस प्लेट से मुसलसल इलेक्ट्रॉन निकाल के हम इस प्लेट को दे रहे थे, यानी क्या फ्लो कर रहा था? चार्ज। लेकिन जैसे ही जो कैपेसिटर है वो पूरी तरह चार्ज हो गया, तो क्या अब कोई नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव वाली साइड पर जाएगा? नहीं जाएगा, मतलब अब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहां पर आपने ये वाली लाइन याद रखनी है, व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज कंप्लीटली, अगर आप कैपेसिटर को कंप्लीटली चार्ज कर ले, जब आप कैपेसिटर को कंप्लीटली चार्ज करते हैं तो करंट फिर फ्लो नहीं करती। बच्चे रिकॉर्डिंग में समझ लेना, दोबारा रिकॉर्डिंग में से देख लेना। अच्छा जी, कैपेसिटर एक्ट्स एन ओपन सर्किट टू डायरेक्ट करंट, यानी कैपेसिटर में से डायरेक्ट करंट पास नहीं करता, डीसी करंट पास नहीं करता। अब ये आपके पास बैटरी है, बैटरी कौन सा सोर्स होती है? डीसी सोर्स। एक होता है ना अल्टरनेटिंग करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट। तो जो बैटरी है वो डायरेक्ट करंट होती है। तो जब तक चार्ज स्टोर हो रहा होता है तब तक तो करंट फ्लो करता है, लेकिन जैसे ही चार्ज कंप्लीटली स्टोर हो जाता है तो फिर डीसी सोर्स में से मजीद करंट फ्लो नहीं करता। तो इसलिए आपने याद रखना है कि डीसी कैन नॉट पास थ्रू कैपेसिटर। जब कैपेसिटर पूरी तरह फुल हो जाता है तो डीसी कैपेसिटर से फिर पास नहीं हो सकता, कैन नॉट पास थ्रू कैपेसिटर। यानी मैं बोलूंगा क्योंकि वो कैपेसिटर से पास नहीं कर सकता, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस क्या है? इनफिनिट, यानी इतनी रेजिस्टेंस है कि वो पास ही नहीं कर सकता। ऐसे उसको लगता है सर्किट ओपन है, टूटा हुआ सर्किट है, क्योंकि उसके बाद आप मजीद चार्ज को फ्लो नहीं करवा सकते। जी बेटा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कुछ पल्ले पड़ा या अगली भी समझ गई वापिस घर? जी बच्चे बोलें। नलायक को जवाब दो जल्दी से। शफक को समझ में आ गया है, मरवा ओके, गुड गुड गुड, चलें भाई चलें। तो स्क्रीनशॉट अगर आपने इसका लेना है तो ले लें, 1 2 3 गिनूंगा, 1 2 3 ओके बाय, चलें। अच्छा बेटे, अब ना ये डायग्राम तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आपने ना कुछ बातें समझनी है। पहली बात बेटा ये कि अगर आपने किसी कैपेसिटर को चार्ज करना है तो बेटा चार्जिंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस यानी चार्जिंग आहिस्ता आहिस्ता होती है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हो जाए। चार्जिंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। बेटा ग्रेजुअल प्रोसेस को ना एक्सपोनेंशियल प्रोसेस भी कहते हैं बाज दफा। एक्सपोनेंशियल का मतलब है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़े, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल प्रोसेस। तो चार्जिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। अब ना इस जमन में आप बात को समझें, लेट से ये आपके पास, मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ और ग्राफ में कैपेसिटर का ग्राफ है, और इस एक्सिस पर मैं लेता हूँ टोटल चार्ज, इस एक्सिस पर मैं लेता हूँ टाइम। तो आपने याद रखना है कि शुरू में कैपेसिटर में बड़ा ज्यादा चार्ज स्टोर होता है, तो शुरू में आपका ग्राफ कुछ ऐसा आता है ऐसा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चार्ज स्टोर होना कम हो जाता है और फिर ये ग्राफ आगे से क्या हो जाता है, कर्व। और अभी देखें तो यहाँ पर लाइन बिल्कुल सीधी हो गई है इस पॉइंट पर। तो जहां पर लाइन सीधी हो जाए मैं कहता हूँ वहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है, यानी अपना मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो गया है। तो मैक्सिमम चार्ज जो होता है ना स्टोर हो जाता है किसी भी कैपेसिटर में, उसको कहते हैं जी इक्विलिब्रियम चार्ज, जिसको शो किया जाता है क्यू नोट से, जो मैक्सिमम चार्ज किसी कैपेसिटर में शो होता है। अब ये जो ग्राफ बनाया है ना, इस ग्राफ को जरा तवज्जो से समझिए बेटा। लेट से आपके पास यहाँ पर एक कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, एक ये कैपेसिटर की प्लेट है, एक ये कैपेसिटर की प्लेट है। आप इमेजिन करें कि मैंने इनको बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इमेजिन क्या करना है, मैं बैटरी बना ही देता हूँ। ले बच्चे ये आपके पास एक कैपेसिटर है, इमेजिन करें आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। अब देखें कि शुरू में जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस प्लेट के नेगेटिव चार्जेस को निकालेगा बाहर, और उन नेगेटिव चार्जेस को यहां से निकालकर इस प्लेट पे पेस्ट करेगा।
अब यहां पर इस प्लेट पर आते जाएंगे नेगेटिव चार्ज। अच्छा मेरी बात को अब तवज्जो से समझिएगा, शुरू में देखिए तो बैटरी ने थोड़ा सा काम किया और थोड़ा सा काम करने से फौरन ही यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। लेकिन अब बैटरी जब मजीद नेगेटिव चार्ज उस तरफ भेजेगी तो उस प्लेट पर पहले से क्या मौजूद है, पहले से ही नेगेटिव चार्ज मौजूद है ना, तो अब नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल। तो ये वाले नेगेटिव पहले से मौजूद जो नेगेटिव है वो आने वाले नेगेटिव चार्जेस को यहां पर क्या करने वाले हैं, रिपेल करने वाले। तो आपने याद रखना है कि जो नेगेटिव चार्जेस पहले से ही मौजूद है वो आने वाले नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेंगे। अब जो वो रिपेल करेंगे तो बैटरी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। यही वजह है कि शुरू में चार्ज, अगर आप गौर करें देखिएगा ग्राफ में, शुरू में चार्ज बड़ी तेजी से बढ़ा है लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो ग्राफ क्या हो गया, कर्व हो गया। समझ रहे हैं बात? तो यहां पर आपने ये बात याद रखनी है कि जो आपका कैपेसिटर है वो ग्रेजुअली चार्ज होता है, स्लोली स्लोली चार्ज होता है, एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। ओके होगी बात बच्चे, ये बात समझ आई है कि अगली भी गई? जल्दी बताएं भाई, सेम चार्जेस भी रिपेल करते हैं बेटा, सेम चार्जेस ही तो रिपेल करते हैं। नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इरा बच्चे इसमें नई बात क्या है, मुझे जरा बताएंगी? हाँ देखा ना, भूल गई। अच्छा बेटा अब आपने ना ये एनिमेशन समझनी है, यही आपके पेपर आपकी बुक में भी बनी हुई है। सर जो पहले से तीन नेगेटिव चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे? यस करेंगे बेटा, यस 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 करेंगे रिपेल, लेकिन उनके पास कोई रास्ता है कहीं जाने का? लेट से ये आपके पास एक प्लेट पड़ी हुई है, इस प्लेट पर मैंने करीब करीब तीन नेगेटिव चार्ज रख दिए। अब ये तीनों नेगेटिव चार्ज करीब करीब है, ये एक दूसरे को रिपेल तो करेंगे लेकिन क्या ये एक दूसरे से बहुत दूर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो फिर होगा क्या कि ये इसी प्लेट में फैल जाएंगे। तो अगर मैं कुछ वक्त के बाद इसी प्लेट को देखूंगा तो वो नेगेटिव चार्ज मुझे ऐसे नजर आएंगे, दूर दूर हो जाएंगे रिपेल करने की वजह से। पहले करीब थे नियर और फिर रिपेल करने की वजह से दूर दूर हो गए। जी बच्चे बात समझ आई? मरवा बता दें अगर समझ आई है तो, नहीं आई तो मैं दोबारा बता देता हूँ। अच्छा बेटे जरा देखिएगा, अब ये जो डायग्राम है ना, सर्किट डायग्राम, ये आपकी बुक में भी ऐसे ही बनी हुई है, पर फर्क ये है कि ये जरा वीडियो चल रही होगी, बुक वाली सिर्फ बंद होगी। तो ये सर्किट डायग्राम आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करनी है। देखिएगा जरा, इसमें चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर भी क्लियर हो जाएगा और डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर भी क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले ना जरा समझ ले सर्किट डायग्राम, ये आपके पास लगा हुआ है एक रेजिस्टर, दिस इज आ रेजिस्टर, ठीक है, और यहां पर हमारे पास ये लगा हुआ है एक कैपेसिटर, ये हमारे पास बैटरी लगी है जिसको वोल्टेज सोर्स भी कह सकते हैं। यह आपके पास दो टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल है टर्मिनल ए, एक टर्मिनल है टर्मिनल बी, बैटरी के टर्मिनल को हम कह देते हैं टर्मिनल सी। आप बैटरी के टर्मिनल को ए के साथ जोड़ दें या आपकी मर्जी है बैटरी के टर्मिनल को किसके साथ जोड़ दें, बी के साथ जोड़ दें, दोनों केसेस में देखते हैं क्या होगा। अगर आप बैटरी के टर्मिनल को ए के साथ जोड़ेंगे यहाँ पर, तो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर से करंट ऊपर की तरफ जाएगा, इधर से करंट इधर, इधर से करंट इधर, और फिर ये वाला करंट अब किस में से गुजरेगा, रेजिस्टर में से। जब ये करंट रेजिस्टर में से गुजरेगा और ये करंट इस कैपेसिटर तक आएगा तो आपको पता है कैपेसिटर पे के ऊपर क्या स्टोर हो जाएगा, बोले भाई क्या स्टोर हो जाएगा कैपेसिटर के ऊपर, चार्ज स्टोर हो जाएगा ना। तो यहां पर मैं ये बोलूंगा कि क्योंकि कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर हो रहा है तो चार्ज स्टोर होने को क्या बोलते हैं, चार्जिंग। इस केस में कैपेसिटर की क्या होने वाली है, चार्जिंग होने वाली है। अभी आप करंट की डायरेक्शन को देखिएगा, आपका करंट पॉजिटिव से आया है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है बैटरी के, तो आपका करंट कुछ ऐसे आया है, ये आपके करंट की डायरेक्शन है। बोले बेटा ये करंट की डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एक दफा दोबारा समझ लें कि ये आया कहां से है करंट। देखें ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, यहां से होता हुआ रेजिस्टर में आया, यहां से कैपेसिटर में आया,
और फिर होता हुआ ये किसमें चला गया, बैटरी। तो आपका करंट ऐसे आया, ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। फिजा बेटा एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज है ये। तो करंट जो है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब आपने ना आंखें खोल के एनिमेशन को एक दफा देखना है। जब मैं कहूंगा ना आपने तब देखना शुरू कर। अब जरा देखिएगा, अब आपका जो टर्मिनल है ना वो ए के साथ कनेक्ट है। जो आपका टर्मिनल है वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? ए के साथ। यहाँ से चार्ज आएगा, जो ये रेड एरो है वो चार्ज को शो कर रहा है। और देखें ये कैपेसिटर फिल होता जा रहा है येलो और पर्पल लाइन से, यानी कैपेसिटर क्या हो रहा है? चार्ज। अब आप इसको कनेक्ट कर दें बी के साथ, तो अब देखें ये क्या लिखा है रेड कलर में, डिस्चार्ज। और देखें कैपेसिटर आपका क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। तो इसको भी जरा समझ लें आपके कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे होगा। पहले हमने इसको कनेक्ट किया था यहां से ए के साथ ऐसे, अभी मैं डॉटेड लाइन बनाऊंगा, ए के साथ कनेक्ट किया। अब मैंने इसको कनेक्ट किया है बी के साथ, अब ये कैपेसिटर हो चुका था पूरी तरह से चार्ज यहां पर ऐसे, ये चार्ज कैपेसिटर हो चुका था। अब मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया। अब अगर आप गौर करें तो अब सर्किट कैसा बन रहा है जी? तो देखें अब आपके पास सर्किट कुछ ऐसे है, ये और ये देखें ये सर्किट है आप। अभी गौर करें जी, ये देखें यहां पर आपका सर्किट नहीं है, आपका जो सर्किट है ना बच्चे वो ये है, ये है, ये सिर्फ सर्किट है, दिस इज द सर्किट। ये नजर आ रहा है बैटरी के साथ अब आपका ताल्लुक नहीं रहा, क्योंकि बैटरी यहाँ से देखें यहाँ से जुड़नी थी लेकिन जुड़ी नहीं है यहाँ पर। तो आपका सिर्फ यही सर्किट है। अब जो कैपेसिटर चार्ज हुआ हुआ है, उस चार्ज कैपेसिटर में से यहाँ से करंट निकलेगा, करंट, और वो करंट इधर जाएगा, वो करंट इधर से इस तरफ को जाएगा, इधर से वो करंट रेजिस्टर में जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा, और फिर दोबारा से कैपेसिटर। अभी देखें तो आपका करंट कैसे फ्लो कर रहा है। तो इस केस में आपका करंट फ्लो कर रहा है कुछ ऐसे। ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एक बात आपने याद रखनी है कि बेटा चार्जिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, अगर आप चार्ज कर रहे हैं या आप डिस्चार्ज कर रहे हैं वो क्या होती है बेटा? ऑपोजिट होती है, उन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर चार्जिंग क्लॉकवाइज में है तो जो ये डिस्चार्जिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज में। अच्छा बेटे अब आपने यहां से ना याद क्या रखना है ये बात समझ। पहली बात आपने क्या याद रखनी है देख ले जरा तवज्जो से, क्या क्या बातें याद रखनी है। पहली बात चार्जिंग क्या होती है? चार्जिंग तब होती है जब कैपेसिटर की प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज स्टोर हो जाता है चार्जिंग। जब आप कैपेसिटर को लोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं यानी रेजिस्टर के साथ, बैटरी से हटा देते हैं, तो फिर उसके अंदर से चार्ज फ्लो करने लग जाता है, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज। चार्जिंग भी ग्रेजुअली होती है यानी आहिस्ता आहिस्ता, और डिस्चार्जिंग भी ग्रेजुअली होती है आहिस्ता आहिस्ता। चार्जिंग जो है वो पहले तेज होती है फिर स्लो हो जाती है, डिस्चार्जिंग भी पहले तेज होती है और फिर क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। जी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें शाबाश, जल्दी से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। 1 2 3 ओके बेटा बाय। चलिए अब जरा देखिएगा डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का क्या मतलब है। तो बच्चे डिस्चार्जिंग का मतलब है व्हेन लोड इज कनेक्टेड, जब आप लोड को कनेक्ट करते हैं टू अ कैपेसिटर, इट स्टार्ट्स लूजिंग ऑन इट्स प्लेट्स, ये चार्ज को लूज करने लग जाता है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्चार्ज। जब आप कैपेसिटर को रेजिस्टर के साथ जोड़ देते हैं तो क्या होता है जी, वो अपनी प्लेट्स के ऊपर से चार्ज को क्या करने लग जाता है? रिड्यूस करने लग गया। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग हैपन एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली का मतलब है ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है या आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस होता है। लोड क्या होता है जी? लोड को रेजिस्टेंस। जी बेटा बेटा लोड का मतलब है जो करंट ले रहा होता है, वो लोड पंखा भी हो सकता है बल्ब भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर हमारा घटिया सा बन गया, कैपेसिटर हम अच्छा सा बना लेते हैं जी। देखें जी लेट से ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, और लेट से कि ये कैपेसिटर फुली चार्ज है, फुली चार्ज है। फुली चार्ज का मतलब है जी ये आपके पास इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मजीद ये चार्ज नहीं हो सकता। अब आप क्या करें जी, आप इसको जोड़ दें किसी बल्ब के साथ। लेट से यहां पर मैंने एक बल्ब लगा दिया।
अब जब आप इस कैपेसिटर को बल्ब के साथ जोड़ेंगे तो ये जो आपके पास करंट है वो बल्ब में से फ्लो करने लग जाएगा। जो आपके पास कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर था वो चार्ज स्टोर बल्ब में जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा, ग्लो करने लगेगा कुछ वक्त के लिए। समझ आ रही है बात? तो अब ये क्योंकि ये जो बल्ब है ये इस कैपेसिटर से करंट ले रहा है तो मैं इस बल्ब का नाम क्या रख दूंगा? लोड। ये पंखा भी हो सकता है, फ्लैश लाइट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो आपके पास करंट ले रहा हो। अच्छा, अगली बात ये कि कैपेसिटर जो है वो डीसी करंट को स्टोर कर सकता है लेकिन एसी करंट को स्टोर नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि अल्टरनेटिंग करंट बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। आप उसको स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक जगह टिकता ही नहीं है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। इसके बारे में बाकी सारी बातें ना मैं आपको चैप्टर 16 में पढ़ाऊंगा, ये बातें यहाँ पर अच्छे से समझ नहीं आती होती। कैपेसिटर जो है वो एसी करंट को कंडक्ट कर सकता है लेकिन डीसी करंट को कंडक्ट नहीं कर सकता। अभी मैंने आपको इसके बारे में भी समझाया है कि जो डीसी करंट है वो कंडक्ट नहीं होता कैपेसिटर में से जैसे ही फुली चार्ज हो जाए, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट होता है। कैसे? फिर चैप्टर 16 में बताऊं। कैपेसिटर नीड्स इंफिनिट टाइम टू कंप्लीट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। पूरी तरह से डिस्चार्ज होने के लिए या चार्ज होने के लिए कैपेसिटर को कितना टाइम चाहिए होता है? इन्फिनिट टाइम चाहिए होता है, कभी भी पूरा चार्ज नहीं हो सकता। तो ये आपका बचे एमसीक्यू है। चले स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो ले लें, वरना आगे हम बातें डिटेल में करते। कोई सवाल है तो पूछ ले मेरे से। जी बेटा, कोई सवाल या कोई मसला कुछ भी? ऑल ओके। अच्छा बेटा, जरा आप समझ ले बात को। आपने बातें याद क्या क्या रखनी है? तो आपने जो बात याद रखनी है वो है चार्जिंग और डिस्चार्ज। जब कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर होता है तो चार्जिंग, और जब चार्ज स्टोर नहीं होता यानी चार्ज लूज हो रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज। अच्छा बेटे, अब हमारे पास टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और बार दफा बच्चों को ये मुश्किल लगता है कॉन्सेप्ट, लेकिन बड़ा आसान है। देखिए देखिए बेटा तवज्जो से। टाइम कांस्टेंट का मतलब यहां पर यह है कि चार्ज स्टोर होने में वक्त कितना लगेगा। किसी भी कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होने पे वक्त कितना लगेगा, ये इसकी सबसे सादा डेफिनेशन है। कैपेसिटर कभी फुली चार्ज नहीं हो सकता। यस बिल्कुल। लेकिन हम उसको अभी मैं बताता हूं क्या कहता हूं। तो आपने याद रखना है जी कि द टाइम फॉर अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। तो चार्ज स्टोर करने में जो कैपेसिटर को वक्त लगता है ना उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट वो वक्त है जिसके दौरान कैपेसिटर के ऊपर क्या स्टोर हो सकता है? चार्ज स्टोर हो सकता है। अच्छा आप जरा देखिएगा, ये पहले वाली डेफिनेशन मैं अभी समझाता हूँ, दूसरे वाली समझ ले। कहता है टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कैपेसिटर टू चार्ज अप टू 0.63 टाइम्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। इक्विलिब्रियम चार्ज यानी कैपेसिटर पर जो टोटल चार्ज है उसका 63% चार्ज स्टोर करने में जो वक्त लगता है ना उसको क्या बोलते हैं? टाइम कॉन्स्टेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप फुली चार्ज नहीं कर सकते कैपेसिटर को, तो फिर आपने टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या अज्यूम कर ली है? 63%। यानी ये वो वक्त है जिस वक्त के दौरान 63% कैपेसिटर फुल हो जाता है। समझ आ रही है बात? टाइम कॉन्स्टेंट उस वक्त के दौरान ही कहते हैं जिस वक्त के दौरानिए में 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज। 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज का मतलब है 0.63 टाइम्स क्यू नॉट। जब इतना चार्ज स्टोर हो जाता है, या मैं ये बोलूंगा कि जब 63% कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो जाता है, उस केस में मैं ये बोलूंगा कि आपके पास जो कैपेसिटर है उसका जो वक्त लगा है वो कितना है? वो क्या है? टाइम कॉन्स्टेंट। बात समझ आ रही है? टाइम कॉन्स्टेंट बेटे समझ में आया? टाइम कॉन्स्टेंट वो वक्त है जब जिस वक्त में कैपेसिटर 63% चार्ज हो सकता है, या फिर 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज।
अब टाइम जो टाइम कांस्टेंट है वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की प्रोडक्ट है। अभी मैंने आपको जो सर्किट पढ़ाया था ये आपके पास उसमें रेजिस्टर लगा हुआ था और इसके साथ ही आपके पास कैपेसिटर लगा हुआ था और इसको आपने जोड़ा हुआ था बैटरी के साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म। अब देखें कि ये कैपेसिटर तो हमने चार्ज करना है, हमारा सारा का सारा ध्यान कैपेसिटर पर होना चाहिए। लेकिन अब आप मुझे बताएं कि जितना बड़ा कैपेसिटर होगा, जितनी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, टाइम भी तो उतना ज्यादा लगेगा ना। जैसे अगर बहुत बड़ी टैंकी हो पानी की तो उसको पानी से भरने में वक्त ज्यादा लगेगा ना, और छोटी टैंकी को वक्त क्या लगेगा, कम। इसी तरह बड़ा कैपेसिटर है तो चार्ज ज्यादा स्टोर करना पड़ेगा, वक्त ज्यादा लगेगा। यानी पहली बात तो ये है कि कैपेसिटेंस किसको अफेक्ट करती है, टाइम को। यानी जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा वक्त लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी लगी हुई है और इस रेजिस्टेंस को भी देखना फर्ज है आपके ऊपर, ये रेजिस्टेंस भी आपने देखनी है। अब जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी यानी जितनी ज्यादा रुकावट होगी, आपको फिर टाइम उतना लगेगा। यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितनी ज्यादा रुकावट देंगे उतना वक्त ज्यादा लगेगा और जितनी कम रुकावट देंगे उतना वक्त कम लगेगा। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होने के लिए जो वक्त लगता है वो वक्त कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स पे। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो टाइम कांस्टेंट है ना आपके पास, टाइम कांस्टेंट वो एक्चुअली होता है आर मल्टीप्लाई बाय सी, यानी वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का मल्टीपल होता है। अगर आप रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है, टाइम कांस्टेंट। क्योंकि टाइम की वैल्यू कैपेसिटेंस पर भी डिपेंड करती है, टाइम की वैल्यू रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। तो टाइम कॉन्स्टेंट की एक और डेफिनेशन है जी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटर लिखा हुआ है वैसे, आपने याद रखना है इसका मतलब है कैपेसिटेंस। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो टाइम कॉन्स्टेंट आप ऐसे भी मालूम कर सकते हैं, आप रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की प्रोडक्ट ले लें, आप क्या मालूम कर लेंगे, टाइम कॉन्स्टेंट मालूम कर लेंगे। जी बेटे, बात समझ आई है कि अगली भी गई? यहाँ पर आप लोगों ने मुझे जल्दी से रिस्पॉन्स करना है, जल्दी से। हाँ जी, टाइम कॉन्स्टेंट वो वक्त है जिसमें कैपेसिटर या तो 63% चार्ज हो जाएगा, या फिर आप इसको कहें जी के रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की प्रोडक्ट को कहते हैं टाइम कॉन्स्टेंट। ऑलमोस्ट 5 टाइम कॉन्स्टेंट्स आर रिक्वायर्ड टू चार्ज अ कैपेसिटर फुली। अगर आपने किसी कैपेसिटर को फुली चार्ज करना है तो आपको कितने टाइम कॉन्स्टेंट्स लगने पड़ेंगे, 5। और 5 टाइम कॉन्स्टेंट में इतना ज्यादा वक्त लग जाता है कि आप कहते हैं भाई आप फुली चार्ज कर ही नहीं सकते, क्योंकि 5 टाइम कॉन्स्टेंट के वक्त का दुरानिया ही बहुत ज्यादा है। समझ आ गई बेटा बात? बेटा अब जरा तवज्जो से बात को समझे। अगर आपके टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू, अगर आपके टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू छोटी है, लेस वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू है अगर आपके कैपेसिटर के टाइम कॉन्स्टेंट की, तो आपने याद रखना है इट विल चार्ज रैपिडली, वो जल्दी चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर में अगर आपके पास टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू कम है तो वो जल्दी चार्ज हो जाएगा। कितना टाइम बेटा, इनफिनिट टाइम। इनफिनिट टाइम, 5 टाइम कॉन्स्टेंट्स का मतलब है इनफिनिट टाइम। वेट देखिए ना, 1 टाइम कॉन्स्टेंट में आपका कैपेसिटर कितने परसेंट चार्ज हो जाता है, 63% 1 टाइम कॉन्स्टेंट में। अगले टाइम कॉन्स्टेंट में फिर वो 82% पे जाता है, फिर वो जाता है जी 90% पे, फिर वो जाता है जी लगा ले 96% पे, फिर वो जाता है जी 99.9% पे। ये बात आपने भी नोट की होगी, अगर आप बैटरी को चार्जिंग पे लगाएं मोबाइल फोन की, तो शुरू शुरू में बड़ी तेज चार्ज होती है, लेकिन जैसे जैसे बैटरी फुल होती जाती है उसका चार्ज होना स्लो हो जाता है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जैसे जैसे आप चार्ज स्टोर करते जाते हैं तो रिपल्शन ज्यादा हो जाती है। रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से फिर चार्ज स्टोर होने की स्पीड क्या हो जाती है, कम। इसलिए पहले टाइम कॉन्स्टेंट में बड़ी तेज होता है, 63% बैटरी पहले टाइम कॉन्स्टेंट में हो जाती है, लेकिन फिर अगले टाइम कॉन्स्टेंट में जो बैटरी है वो कम होती है। टाइम कॉन्स्टेंट क्या है, 63% कैपेसिटर चार्ज होने का जो वक्त है उसको बोलते हैं टाइम कॉन्स्टेंट। अगर टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू छोटी है तो आपके पास जो चार्ज है वो रैपिडली चार्ज होगा। टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती है वैसे,
तो टाइम कांस्टेंट होता है आर क्रॉस सी। तो अगर आर क्रॉस की सी की वैल्यू छोटी है तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा। इसके बरक्स अगर आपके टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, लेट से टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है जी लार्ज वैल्यू, तो लार्ज वैल्यू के केस में आपने याद रखना है इट विल चार्ज स्लोली। अगर किसी कैपेसिटर के टाइम कांस्टेंट की वैल्यू लेस है तो वो जल्दी चार्ज होगा, और अगर किसी कैपेसिटर के टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है यानी आर मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू ज्यादा है तो वो बेटा लार्ज वैल्यू वाला है और वो स्लोली चार्ज होगा। जी बेटे बोले, अगर कोई बात यहां तक मसला करती है मैं आपको 1000 दफा बताने को तैयार हूं, आप पूछने वाले बच्चे। जी बेटे जल्दी से जल्दी करें, जल्दी शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और फिर मैं मीटिंग एंड करूंगा, आप अभी दोबारा मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा। सब समझ आ गया, शाबाश बेटा। चलें भाई स्क्रीनशॉट ले लें इसका। 63% पे टाइम कांस्टेंट की, मैं बताता हूँ बेटा, मैं बताता हूँ बेटा, इसके ऊपर ही बात करूंगा। चलें बेटा स्क्रीनशॉट ले लें इसका। 1 2 3 ओके बाय। अच्छा बेटा अब आप दोबारा मीटिंग ज्वाइन करें, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, अब आपने दोबारा ज्वाइन करनी है। 1 2 3 दोबारा ज्वाइन करें।